आज कल आज तक इसी हुक्म को एक बरस डेढ़ बरस हो गया है, उस हुक्म की पेरवी नहीं हुई है और ये बेईमान सरकार उन बेईमानों का नाम छुपा रखी है। दोस्तों, इससे आप क्या सोचते हो, ये सरकार क्यों इस तरह को छुपा रही है? अगर राम जेठमलानी का नाम होता, स्वामी रामदेव का नाम होता, या जो स्टेज पे जो बैठे हैं हमारे साथी उनका किसी का भी नाम होता तो पहले वो टेलीविजन चैनल को बता देते, अखबारों को बता देते और हमारा नाम जो है वह सारे हिंदुस्तान के अंदर बदनाम हो जाए। मगर ये क्यों छुपा रहे हैं उन नाम को? अपने नीचे रखा छुपाते इस वजह से है कि उसमें जो इनके कांग्रेस के जो बड़े में बड़े नेता है उनके भी नाम है, उनके भी नाम है। और आज ये मैं आपके सामने कसम उठा के कहता हूँ तो उन्हीं लिस्ट के अंदर हिंदुस्तान के आधी कैबिनेट जो है उनके नाम है। राहुल गांधी का नाम है, आओ हिंदुस्तान की अदालत के सामने खड़ा रहो, मेरे ऊपर आके बदनामी का केस करो तो मैं तुम पिंजरे में खड़ा करूँ, तुमसे पूछूं, सवाल पूछूंगा और सवाल पूछूंगा आपके ताकत के साथ। दोस्तों, स्वामी रामदेव ने आपको पुकारा है कि इसी सरकार को हटाओ और देश को बचाओ। मैं आपसे एक और प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर ये सरकार गिरी तो इसी सरकार के आधे कैबिनेट मिनिस्टर और कांग्रेस के बड़े से बड़े लीडर को मैं एक बरस के अंदर जेल की हवा नहीं खाऊं, खिलाऊं। जेठमलानी का जो नाम है वो मैं त्याग कर दूंगा, अपने को राम जेठमलानी नहीं कराऊंगा। मैं लंबा चौड़ा भाषण करना नहीं सीखा हूँ, मैं भाषण करता हूँ अदालत के सामने जहाँ चार पांच जज ज्यादा से ज्यादा बैठते हैं। मैं डरता हूँ, इतने बड़े लोग आप आ रहे हैं, मगर आपकी शक्ल देख के मेरा डर निकल जाता है और मेरे शरीर में एक नई ताकत पैदा होती है। मैं जब यहाँ से जाऊँगा, आया था तभी 88 बरस का था, अभी मैं 8 बरस कब हो जाऊंगा, 80 बरस। और ये जो अमल है ये जब दुश्मनों के कानों पे पहुंचेगी कि ये बड़ी बात 8 बरस और जीने वाला है तो डर जाएगा, डर जाए। दोस्तों, आपका सब एक बड़ा फर्ज है, आप हिंदुस्तान के गली गली में, हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में जाओ और कहो कि स्वामी रामदेव ने, स्वामी रामदेव के शिष्यों और साथियों ने आपको क्या पैगाम बताया है, ये पैगाम उनको सुनाओ। 2014 में नहीं, 2013 के अंदर ये सरकार जानी चाहिए। अगर आप देश को दुख कराना चाहते हैं तो हमारे पुलिस अमलदार जो है, एक पुलिस अमलदार अभी आपके सामने आया था, उस बेचारे का कोई दोष नहीं है, वो भी कानून का पालन कर रहा, मगर कानून का पालन वो कानून जो कानून में कुछ धर्म है, जिस कानून में कुछ समझ है, जिस कानून में कुछ राम है, जिस कानून में हिंदुस्तान के संविधान की जो आपको फ्रीडम है उसका कोई जिक्र है। आपका अधिकार है कि जहाँ भी आप बैठो आप बात करो कि आपके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, जिस जुल्म के बात को कोई नहीं बंद कर सकता है, अगर किसी को अधिकार है। मगर पुलिस वाले कुछ मुख्तार नहीं है, इनको भी दूसरों का हुक्म मानना पड़ता है। मैं स्वामी रामदेव को छोड़ देता हूँ, स्वामी रामदेव का फैसला करेगा कि ये ग्राउंड आप कभी खाली करेंगे, उसका फैसला रामदेव को करना होगा, सरकार को नहीं करना होगा। अगर कोई तकलीफ हुई, कोई दावा, कोई केस चला, कोई रामदेव को लाने हाजिर है, मैं तो बच्चे बता देता हूँ।